हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल और आपको स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरआई एग्जाम में कंप्यूटर रिलेटेड पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट जीके टाइप क्वेश्चन। आप सभी लोगों को पता होगा आरआई एग्जाम में कंप्यूटर रिलेटेड टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका मार्क होगा टोटल 50 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन के पीछे 2 मार्क मिलेगा। जो कि हम इस वीडियो में कंप्यूटर रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसके बारे में टोटल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। पिछला वीडियो में हम बात किए थे आरआई एग्जाम में किस प्रकार का जीके क्वेश्चन आएगा, अगर आप उसी वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में आए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन किया था, देवझर वाटरफॉल लोकेटेड इन हुइच डिस्ट्रिक्ट। देवझर वाटरफॉल ओडिशा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट ने इसका आंसर देने के लिए कोशिश की है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो इसका सही आंसर है कटक डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए देवझर वाटरफॉल ओडिशा के कटक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो चलिए देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन। We can start MS Word by typing dex in the run dialog box. Run dialog box में हम क्या टाइप करके MS Word को ओपन कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है विन वर्ड। रन डायलॉग बॉक्स में हम विन वर्ड टाइप करके जब एंटर करते हैं तब जाके MS Word ओपन होता है। नेक्स्ट, एक्सेल को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम रन डायलॉग बॉक्स में आपको एक्सेल टाइप करना पड़ेगा। और पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपको पावर पीएनटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पावर पीएनटी जब टाइप करके एंटर करेंगे तब जाके पावर पॉइंट ओपन होगा। तो इसी क्वेश्चन में मैं तीनों आंसर को कवर किया, तीनों क्वेश्चन को कवर किया। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपको पावर पीएनटी टाइप करना पड़ेगा, एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल टाइप करना पड़ेगा, एंड वर्ड को ओपन करने के लिए आपको विन वर्ड टाइप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट कॉपी एंड पेस्ट इज इन डेक्स ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में कट कॉपी एंड पेस्ट कौन से ग्रुप में रहता है, तो इसका सही आंसर है क्लिपबोर्ड। वर्ड में, एक्सेल में एंड पावर पॉइंट में क्लिपबोर्ड में कट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन रहता है। इसी प्रकार का फाइंड रिप्लेस एंड सिलेक्ट जो ऑप्शन रहती है वो कहां पर रहता है, तो इसका सही आंसर है एडिटिंग ग्रुप, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई इज यूज टू। कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की किस लिए यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर है इटालिक। लेटर एंड वर्ड को इटालिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU, यानी कि आलू का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है आपके आरआई एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे फुल फॉर्म से लेके। तो ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसी प्रकार का CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी प्रकार का CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। DOS का फुल फॉर्म होता है डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एसेस मेमोरी। अगर आप चाहते हैं फुल फॉर्म के ऊपर एक वीडियो आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, फुल फॉर्म का वीडियो लाइए, तब जाके हम आगे वाले वीडियो में फुल फॉर्म को लेकर एक वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ MS Word डॉक्यूमेंट। MS Word डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन नेम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट MS Word का एक्सटेंशन नेम है .doc या फिर .docx, मोस्ट इंपोर्टेंट है .doc MS Word का एक्सटेंशन नेम है। उसी प्रकार का एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है .xls एंड पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम है .ppt, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में भी मैं तीनों क्वेश्चन को कवर किया, वर्ड का एक्सटेंशन नेम है .doc, एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है .xls एंड पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम है .ppt, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन CPU, CPU में
कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो इसका सही आंसर है 3 कंपोनेंट्स। सीपीयू में टोटल 3 पार्ट्स रहता है, 3 कंपोनेंट्स रहता है। इसका सही आंसर है ALU CU MU। ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, MU यानी कि मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन को बात कर रहे हैं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले आपके RIE एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच आर बिल्ड विद माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के कौन सा जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्माण किया गया था, तो इसका सही आंसर है 4th जनरेशन। कंप्यूटर का 4th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर के साथ बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर। कंप्यूटर के कितने जनरेशन हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, तो इसका सही आंसर है 5 जनरेशन। कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एरो की आर देयर इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में टोटल कितने एरो की होती है, तो इसका सही आंसर है 4 एरो की। कीबोर्ड में टोटल 4 एरो की होती है। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आ सकता है कीबोर्ड में टोटल न्यूमेरिक की कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है 17। कीबोर्ड में टोटल 17 न्यूमेरिक की होती है और उसके साथ साथ फंक्शन की 12, टोटल फंक्शन की 12 होता है और न्यूमेरिक की 17 होता है और एरो की जो होता है वो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द MS Word फॉर्मेटिंग टूलबार। फॉर्मेटिंग टूलबार में स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, तो इसका सही आंसर है 8 and 72। जो स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज होता है वो 8 होता है और जो लार्जेस्ट माने फॉन्ट साइज होता है वो 72 होता है। और इसके साथ साथ आपके एग्जाम में और भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो इसका आंसर है 11। मतलब कि जब आप ओपन करते हैं वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट, वाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या रहता है, तो इसका सही आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच की शुड बी प्रेस टू क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ इन MS Word। MS Word में न्यू पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए हम कौन सी की को प्रेस करते हैं, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है एंटर की। जब हम MS Word में एंटर की प्रेस करते हैं तब एक न्यू पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल जूम साइज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का नॉर्मल जूम साइज क्या होता है, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज होता हो जाते हैं, लेकिन ये जो सिंपल क्वेश्चन है तो नॉर्मल जूम साइज जो होता है डॉक्यूमेंट्स में वो है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन MS Excel। MS Excel में टोटल कितने कॉलम होती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है 16384। 16384 टोटल कॉलम होती है MS Excel में। इसके साथ साथ रो का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो टोटल रो जो होती है 1048576। तो एक एक्सेल में, मतलब एक्सेल में कॉलम की संख्या जो होती है 16384 और रो की जो संख्या होती है 1048576, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शॉर्टकट की यू कैन चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर इन MS Word। MS Word में हम कौन सा शॉर्टकट की के मदद से स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर को चेक कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है F7। F7 शॉर्टकट की के मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में एंड पावर पॉइंट में स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शो द नेम ऑफ फाइल। MS Word, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में डॉक्यूमेंट्स को आप जिस नेम से भी सेव करते हैं वो नेम कहां पर शो होता है, तो इसका सही आंसर है टाइटल बार, जो सबसे ऊपर होती है टाइटल बार उसमें शो होता है। आप जिस किसी फाइल को भी जिस किसी भी नेम से सेव करते हैं वो नेम कहां पे शो होता है, टाइटल बार में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सेव एंड प्रिंट ऑप्शन डिस्प्ले ऑन द व्हिच बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओपन सेव एंड प्रिंट ऑप्शन कौन सी बार में डिस्प्ले होता है, तो इसका सही आंसर है ऑफिस बटन या फिर क्विक एसेस टूल बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, याद रखिए। ओपन सेव एंड प्रिंट ऑप्शन
कौन सी बार में डिस्प्ले होता है? तो इसका सही आंसर है क्विक एसेस टूल बार या फिर ऑफिस बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 400%, 400%, और एमएस वर्ड में 500% एंड एक्सेल में भी 400%। मोस्ट इंपोर्टेंट है जूम साइज जो होता है पावर पॉइंट में 400% मैक्सिमम होता है, और वर्ड में 500% और एक्सेल में 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीड आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन यू क्रिएट ए न्यू एक्सेल फाइल? जब आप न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट कितनी सीड होती है? तो इसका सही आंसर है 3। टोटल 3 सीड होती है बाय डिफॉल्ट। आप जितना भी सीड क्रिएट कर सकते हैं, बट जब आप किसी भी न्यू एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे वही पर 3 न्यू बाय डिफॉल्ट सीड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द ऑल फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विथ डैक्स? एक्सेल में फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर है इक्वल साइन। एक्सेल में आप किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए पहले इक्वल साइन देंगे, तब जाके फॉर्मूला आपका स्टार्ट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ लाइब्रेरी आर देयर इन विंडोज 7? विंडोज 7 में कितने प्रकार की लाइब्रेरी होती है? तो इसका सही आंसर है टोटल 4। क्या क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक एंड वीडियो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विंडोज 7 में टोटल 4 प्रकार की लाइब्रेरी होती है, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक एंड वीडियो। तो ये था आपके आरआई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। F1 फंक्शन की इज यूज फॉर, F1 फंक्शन की हम किस लिए यूज करते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था आपका आरआई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन के ऊपर बात किए सारा आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।